अटे खोद दे बाबा, अटे निकल जाए। क्या पे निकल जाएगा मतलब आधे एक फीट पे? ये क्या कर रहे हो पानी आया है, पानी निकाल दोगे तो बाबा यहाँ रेगिस्तान है, रेगिस्तान के अंदर ये पानी निकाल रहे हैं बाबा जी। देख सकते गीली मिट्टी निकल चुकी है, गीली मिट्टी भी आ गई। आप आ जाओ भैया, बोरवेल कराते हैं। बोरवेल में जैसे रोड से पहले मिट्टी नमी आती है मिट्टी में, वैसे नमी आ गई है। और यहाँ पर मल्लीनाथ जी का चमत्कार ही कह लीजिए आप, कहीं ना कहीं ये उन्होंने साधु संतों के लिए पीने के योग्य पानी के लिए यहाँ पर व्यवस्था की थी किसी जमाने में। और आज भी यहाँ पर बड़े बुजुर्ग साधु महात्मा और यहाँ मेले में आए हुए सभी। अभी पानी आएगा यहाँ मल्लीनाथ जी के पास से, गोल घुमा गोल गोल, अभी पानी आ जाएगा दो मिनट में। क्योंकि सरिया वगैरह भी साथ में होंगे तो ये चीज भी। और सरदार जी पंजाब से हो सरदार जी? हाँ जी। पंजाब में कहाँ से हो? कोके पिंड। कोके पिंड मल्लीनाथ जी ने सुशील जगाओ। मल्लीनाथ जी की जय हो। जय हो बाबा मल्लीनाथ जी। जय हो। जय हो बाबा ख्वाजावली जी। हेलो पानी निकालो, राजा पानी निकालो, पानी निकालो। जय हो बाबा ख्वाजावली जी, मेर करो ठाकुर पर जोर घुमावे नहीं गोला मारा टाट। देख सकते हैं आप दोस्तों, आप लाइव चमत्कार देख रहे हैं। हाँ लाइव देख रहे हैं, सुनता है यार अभी पानी आ जाएगा। वो नीवे था ज्यादा जल्दी है ना? ना ना आटा आज जल्दी हो रही है, जड़ावे है अभी आता है पानी 25 मिनट के बाद भी आ जाएगा। अभी कहते हैं इतनी टाइम कैसे हुई पानी की? अभी 25 मिनट में आ जाएगा। 25 तो ज्यादा है। अच्छा बाबा ने अपने आवाज भी आने लगी थोड़े। जय हो जय हो जय हो जय हो बाबा ख्वाजा वली करी वली। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो महाराज की जय हो जय हो माता की जय हो। एक लो भाई साहब मेरे पानी आ चुका है, आज का पानी आ चुका है मेरे बाबा। जय हो बाबा जी, पानी बाहर निकाल के दिखाओ आप। जय हो, पानी बाहर निकाल के दिखाता है। ये साफ लाते हूँ, अभी साफ लाते हूँ। बिल्कुल देखो देखो आपने साफ पानी पिलाते हैं। ये देख लो ये लो मतलब गजब। ए ए देखो एक फुट भी नहीं कूदा है और ये लो ये पानी निकल गया, एक फुट भी नहीं कूदा है। क्या बात है, डेढ़ फुट कूदा है। मल्लीनाथ जी का बरसा ऐसा है बाबा, इसको थोड़ा और खोदे तो क्या और खोदेगा, गंदा पानी आएगा। अच्छा हाँ, पी भी सकते इस पानी को? पी सकते हैं, पहला तो पीते। अच्छा मतलब छान वान के पी सकते हैं। हाँ अब साफ पानी। जय हो बाबा ख्वाजा वली जी। जय हो। और देख लो पहले गजब चमत्कार, चमत्कार है रूपादेव जी का। मल्लीनाथ जी इतना भर चुका है कि पानी नहीं निकलेगा। नहीं 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 नहीं, बाबा मल्लीनाथ का तजर्बा इतना है जो आता है जो सुख सुखता है पूरी होती है। जय हो। वाह ये सब पानी ऐसा आ रहा है शानदार, देख सकते हैं दोस्तों आप। तो इसको छानवान के पी सकते हैं इस पानी को, है ना? छानवान के पी सकते हैं इसको, हमारी नदी में रल मिल गया। अभी भी इसको गड्ढे में पा के फटकरी डाल देंगे, साफ हो जाएगा, साफ हो जाएगा। वाह वाह क्या बात है, थोड़ा और निकालता हूँ मैं, निकालता हूँ आप निकालो, कोई बात तो नहीं, निकालो भी नहीं। आपको क्या लगता है? देख सकते हैं दोस्तों, हाँ ये बहुत ही ज्यादा पानी आ रहा है, पानी खूब आता है। तो इसको ऐसे छोड़ दे बाबा, ये भर जाएगा। भर जाएगा नहीं, जो घर इतना ही मिलेगा। अच्छा ये खुद ही फिल्टर है, फिल्टर है इसके अपने आप पानी है। अच्छा ये फिल्टर होता रहेगा, ये सबसे ऊंची जगह आपने खोदा है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे वो नीवी जगह है वहाँ में तो आम ही आ जाता थोड़े से। कल घोड़े भागे ना, उसके पैर से ही निकलता। अच्छा ये सब घोड़ों की टाप से भी पानी निकलता है आज भी यहाँ पर। जो आप लोग है सभी एरिया देख लो, वो देखो लोग बड़े बड़े कुएं खुदाते हैं। ऐसा करते हैं, यहाँ एक पाइप डालते हैं मोटा जी, उसके महीने पानी आ जाता है। ये बजरी नहीं डुलती है, जो फिल्टर वाला पाइप है ना वो पाइप लगाता है इसमें डाल, हमने या जाऊ कैसे बांध देता है लकड़ी से और पाइप से पानी आ जाता है, अनाज आता है।
ये यहाँ पहला धीरे धीरे पानी साफ भी हो जाएगा। ये साफ है ना, ये साफ है, ये धीरे साफ करते हैं और थोड़ा साफ होने का, और फिर इस पानी को पीकर टेस्ट भी बताएंगे आप सभी को। हाँ देख सकते हैं, सब देखना, ये मलनाथ जी का पर्चा है। जी जी बिल्कुल चमत्कार है। हाँ। मेले 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 के अंदर निकलता है। हाँ, मेले मेले के अंदर निकलता है और धीरे धीरे आप देख पा रहे होंगे। देखो देखो तो आप मैं कोशिश करते हैं और भी कोशिश करते हैं। आपने देखिए पानी साफ, ये अपने आप भर जाना है। बिल्कुल, और यहाँ पास में ही जो किसान अपने घोड़ा घोड़ी लेकर आए हैं, आए हैं और नजदीक से, वो उन्होंने ये करके दिखाया, क्योंकि उन्होंने देखा है, उन्होंने पहले भी देखा है। दोस्तों क्या आपने कभी ये चमत्कार देखा है यहाँ पर होते हुए? ये तो मलनाथ बलीनाथ का मेहरबानी है और बाबा ख्वाजा बली की। ख्वाजा बली कहाँ पर है? ख्वाजा ही है जो जल देवता है ना, ख्वाजा बली है। ख्वाजा बली, आप ख्वाजा बली कहते हैं हमारे इधर। मलनाथ जी, मलनाथ जी, मलनाथ जी का मतलब मलनाथ जी है। ये साफ पानी है, देख सकते हो, देख सकते हो। सरदार के लिए खड्डा भरा जा रहा है, धीरे धीरे ये खड्डा तो भरता जा रहा है, अपने आप भर जाएगा, अपने आप पूरा भर जाएगा। जितना पानी लेंगे ये आता जाएगा। मर्जी कर लो, पियो। अच्छा, पशु को पिलाओ, बंदे को पिलाओ। ये देख लो, बिल्कुल ये लो, धीरे धीरे साफ हो रहा है। ये ले जो पानी आता रहेगा, छेड़ेंगे नहीं तो ये साफ हो जाएगा। साफ हो जाएगा, क्या बात है। ये सारा एक फोटो में ही है, एक बताते हैं कि ये मेले में ही मतलब होता है। मेले में ही होता है, मेले के बाद, मेले के 20 दिन मलनाथ जी का पर्चा है। जी मलनाथ जी रूपादेव जी का जी। मेला भर जाएगा, जब तक पानी आएगा, मेला पूनम के बाद से खत्म हो जाएगा, बाद में नहीं आएगा पानी। ऐसा है ना? हाँ, तो पहले उस टाइम में साधु महात्माओं के लिए उन्होंने ये मेला पहला साधु महात्माओं का ही था। जी जी, कैसा है? थोड़ा खारा सा है, नमकीन पानी है, नमकीन पानी है, नमकीन पानी है। और ये कहते हैं कि जैसा आपके पिंड में पानी है वैसा ही, वैसा ही है। आपकी इच्छा है कि मेरा पानी अच्छा खेत में है, पिंड में पानी, ये जो नदी है नमकीन नदी। आपका गांव कौन सा है? हमारा गांव पाटोदी है। तो पाटोदी में पानी कैसा है, आप टेस्ट करके? पाटोदी में ही हमारा पानी पताल का नमकीन पानी है। अच्छा, तो ये भी नमकीन पानी है। बिल्कुल, ये नमकीन जैसी हमारी मंशा है उसका मिल जाएगा। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सरदार जी। आपका धन्यवाद है। मेरा नाम है किशन सिंह जी राजपुरोहित। किशन सिंह जी राजपुरोहित।